सुंदरनगर में रेहड़ी फड़ी वालों की समस्याओं को देखते हुए नगर परिषद ने इन्हें एक स्थान पर बसाने की कवायद शुरू कर दी है। रेहड़ी फड़ी यूनियन के साथ हुई बैठक में रेहड़ी फड़ी मार्केट का बसाव चतरौखड़ी चौक और कुत्ते की कब्र के पास किए जाने की वकालत की गई। अब इसका एक प्रपोजल तैयार कर इसकी मंजूरी और बजट के प्रावधान के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। नगर परिषद में रेहड़ी फड़ी वालों के कार्य टाउन वेंडिंग एक्ट के तहत ही होंगे। इसके साथ ही नए जोन बनाने पर भी चर्चा की गई। जानकारी देते हुए नगर परिषद सुंदरनगर की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने बताया कि रेहड़ी फड़ी जोन के बाहर येलो लाइन लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। पिछले जोन के मुकाबले 3 से 4 जोन अधिक चिन्हित किए गए हैं। भोजपुर बाजार की शुरुआत में सिनेमा चौक के पास के जोन को हटाया जाएगा। बस अड्डे के समीप हम सफर के पास के जोन में भी बदलाव किया जाएगा, क्योंकि स्थान पर वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है। यहां पर दुर्घटनाओं की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए नगर परिषद और पुलिस विभाग की एक टीम गठित की जाएगी। जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर भी एक अतिरिक्त जोन बनाने पर चर्चा की गई है। बैठक में रेहड़ी फड़ी धारकों की समस्याओं को भी सुना गया और उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया गया। सबसे पहले ये इशू आया था कि आपका जो रेहड़ी फड़ी है उसके जो जोन बना रहे हैं उन जोन के बाहर जो है येलो लाइन लगाई जाए, तो येलो लाइन का जो है हमने टेंडर कर दिया है और शीघ्र ही येलो लाइन लगा दी जाएगी। और कुछ जोन हमने जो है पूर्व के जोन बने हुए थे उनसे 3-4 जोन जो हमने एक्स्ट्रा बनाए हैं, और कुछ एक पर जो हमने ये भी चर्चा की है कि उनको, क्योंकि जो हम सफर वाला जोन है वो थोड़ा सा कंजेस्टेड है, वहाँ पे गाड़ियों का आवाजाही ज्यादा होती है तो दिक्कत रहती है, तो उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हमने एक टीम गठित की है जिसमें पुलिस के लोग और हम कमेटी के लोग जाएंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है। और कुछ एक्स्ट्रा जोन जैसे IPH के ऑफिस के बाहर या जो एग्जिस्टिंग पार्किंग है उसके बाहर अगर कुछ हो सकता होगा तो वहां पर भी कुछ जोन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। भोजपुर बाजार में जो स्टार्टिंग में जोन है उस जोन को हटाएंगे और वहां पे जो आगे रेस्ट हाउस के नीचे का एरिया जहां नगर परिषद की पार्किंग है वहां पर कुछ लोगों को बसाने का प्रयास करेंगे। और ये भी निर्णय लिया गया कि जितने भी हमारे लोग हैं उनके लाइसेंस रिन्यू होंगे और जो अन्य लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे नए लाइसेंस बनाए जाएं उनके लाइसेंस भी हम लोग जो है बनाएंगे, और उसके लिए भी सारी बात हो गई है। बाकी रेहड़ी फड़ी मार्केट बनाने के पर भी विचार किया गया, अगर रेहड़ी फड़ी बनाई जाती है भविष्य में तो उसके लिए पैसे की मांग सरकार से की जाएगी। और उसके लिए हमने दो स्थान चयन किए हैं, एक हमने चतरौखड़ी चौक के नीचे जो हमारा स्पेस है वहां पर और दूसरा कुत्ता की कब्र के पास, उन दोनों ही स्थान पर हम की पॉसिबिलिटी हम लोग देख रहे हैं। शीघ्र ही इसका प्रकालन और डिजाइन ड्राइंग बना के निदेशालय को भेजी जाएगी ताकि हमें कुछ राशि मुहैया हो सके। और कुछ एक रेहड़ी फड़ी वालों की अन्य छोटी मोटी डिमांड्स थी वो भी इस मीटिंग में डिस्कस की गई, और इसी आशय के साथ की नेक्स्ट मीटिंग से पहले हम जो इशू हम लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन शिमला सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।